आज मेरे साथ ACP राजबीर मलिक साहब हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, 2 अक्टूबर के बारे में आज आप इधर आए हैं, आज तो सबसे पहले उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे देश के देशवासियों को 2 अक्टूबर के लिए? आज का दिन जो है हमारे देश के लिए 2 महान हस्तियों का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। और कल का जो दिन था 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस था, जो कि बुजुर्गों का हमें सबको सम्मान करना चाहिए। तो अक्टूबर का पूरा महीना अपने आप में जब शुरुआत ऐसी हो तो पावन महीना है, बहुत ही अच्छा महीना है। सर, आज के दिन आप क्या मानते हैं कि जो हमारा जो देश की जो सुरक्षा है, आप सुरक्षा से जुड़े तो दिल्ली में जो चीज़ें हैं वो आपको लगता है कि कुछ उसमें आप लोग कमी ला पाए हैं या कुछ वो चीज़ें बढ़ी हैं? देखो, जहाँ तक क्राइम की बात है उसके बहुत सारे रीजंस हैं, सोशो इकोनॉमिक रीजंस बहुत बड़ी चीज़ है। और क्राइम को हम एक कैटेगरी में बांट सकते हैं, कुछ होता है नीड बेस्ड क्राइम, कुछ होता है एनिमिटी बेस्ड क्राइम, इस तरह से हम बांट के उसको वो करते हैं। और जितने हमारे पास पुलिस फोर्स अवेलेबल है वो देश की राजधानी को सुरक्षित रखे हुए हैं, संभाले हुए हैं। सर, आपसे एक अहम सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि आप क्राइम के मुद्दों को देखते रहते होंगे अक्सर, तो जो युवा वर्ग, नया युवा वर्ग आता है वो अक्सर काफ़ी केसेस थाने में हम देखते हैं युवाओं के ज़्यादा आते हैं, तो नई जो पीढ़ी आती है उसमें कुछ परसेंटेज युवाओं की भी आ जाती है? मैंने आपको बहुत पहले बताया कि इसके पीछे सोशो इकोनॉमिक रीजंस हैं, उसमें एक चीज़ आती है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी पिछले सालों की अपेक्षा थोड़ी बहुत बढ़ी है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए और एक उनको जो युवा हैं उनको एक दिशा नहीं मिल पा रही है, इसीलिए कुछ युवा जो है वो भटक रहे हैं। तो क्या आपका कोई ऐसा समन्वय है जब पॉलिटिकल लीडर्स के साथ होता है तो आप इसको उठाते हैं? नहीं, दिल्ली पुलिस अपने आप में एक तरह की कोशिश कर रही है, हमने बहुत सारे बच्चों को मल्टी नेशनल कंपनीज में जॉब के लिए कराया और उनको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम कराए हैं और उनको जॉब भी मिला है। ACP साहब, जैसे अब सोशल मीडिया में काफ़ी चैनल्स का दबाव बढ़ता जा रहा है, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं अपना रही कि आप जैसे लोग वेब चैनल्स या चैनल्स को बुलाएं और छोटे छोटे मैसेज आप भी उस पर लगातार दें, क्योंकि युवा वर्ग काफ़ी सोशल मीडिया पर मौजूद है, ताकि आपके मैसेजेस रेगुलर उन पर जाएं? ये एक पॉलिसी मैटर है, हमारे सीनियर अधिकारी जो है इस पर डिसाइड करेंगे। तो आप भी इसका, मैं चाहता हूँ कि आज के दिन आप हम सीनियर ऑफिसर्स को इस चीज़ के लिए रखेंगे। हाँ, कि हर एरिया में चैनल्स लगभग मौजूद हैं, तो आप इस तरह तरह के छोटे, नेचुरली आपकी बात को हम सीनियर अधिकारी के पास रखेंगे। हाँ, युवाओं के लिए और अपने कार्यक्रमों के बारे में उनको लगातार आपके अगर ऐसे वीडियोज आते रहें, क्योंकि हर तरह के वीडियोज आते हैं लेकिन पुलिस उसमें, नेचुरली आई अप्रिसिएट योर वर्जन, इस तरह का हम करेंगे। सोशल मीडिया का अगर हमारे अधिकारी इस पर सहमत हो गए तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।